ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा बेसिक सा काम किया था, अभी थोड़ा सा इसमें वापस आते हैं, स्विच करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मैथ्स मैंने अप्लाई कर दिया था, तो कि एक प्रोसेस ये भी है, दूसरा प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यूवीज थोड़ा सा याद कर लो अगर आप यहाँ पे, जैसे ये पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है, स्विचेस को आप सेलेक्ट कर, जैसे ये पार्ट है तो मेजर वाले पार्ट को भर दे, जैसे ये पार्ट है इस पर थोड़ा सा काम कर देते, ठीक है, और देन ये पार्ट कौन सा, ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे यहाँ पे, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्प ऑफ फोर्स। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना क्या है, मेरे पास जो लेयर है लेयर वाइज मैं यहाँ पे डील करता हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देखो आपको तीन चीज़ को समझना है क्या, अभी अगर तीन चीज़ को समझ जाओगे, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्लैक से फिर थोड़ा सा डार्क किया, फिर थोड़ा सा पेंट किया, फिर ऐसा कुछ पेंट किया, तो अगर आप ऐसा कुछ कलर पिक करके काम करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। और यही काम हमें यहाँ से भी करना है क्या, लाइक हमें यहाँ पे बेसिक शेप पहले दे देना पे, तो बेसिक शेप हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ब्लैक हमने पहले कलर ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी कलर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर वाइज हम लोग यहाँ से पिक करते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क यहाँ पे लिया, ठीक है, तो डार्क वाइज में यहाँ पे थोड़ा सा बी फॉर ब्रश है मेरे पास, बी फॉर ब्रश एंड साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया। यहाँ पे न्यू लेयर लेना, न्यू लेयर पे यहाँ पे है आप यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करना है क्या, जैसे ये शेप्स आपको देखा यहाँ पे, लाइक थोड़ा सा आपने यहाँ पे पेंट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। कॉर्नर्स को मैनेज करने के लिए एक शेप आपका ऐसे भी है, देखो ये लाइट हुआ कि नहीं हुआ ये भी ध्यान देना आपको यहाँ पे, ये हल्का सा आपको यहाँ पे लाइट्स का पार्ट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ में ऐसा कुछ यूज़ कर सकता हूँ, आप देखो यहाँ पे ये शेप मेरे पास ऐसे भी लाइन के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रेंडमली मैं पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। शेप मेरे पास ऐसा कुछ है जो हाईलाइट्स के लिए, ठीक है। एक चीज़ ऐसे भी हो सकता है, आपने क्लिक किया यहाँ पे शेप प्रेस करके आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हो, देखो बहुत ही ठीक आ रहा है यहाँ पे। साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ओके एंड क्लिक यहाँ देखा, यहाँ से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक किया पे, जो बेसिक शेप मुझे अगर देना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक किया पे, और यहाँ से मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये क्लिक कर दिया। यहाँ देखो मैं इसको मैं अलग लेयर पर रखूँगा यहाँ पे, देन यहाँ से मैं यूवीज ऑफ करता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं आपके पास, देन हो सकता है इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करने जाऊँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, डार्कन यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइक प्ले करता हूँ यहाँ पे, लाइट है यहाँ पे, ओवरले है, और यहाँ पे ढूंढते हैं कलर मोड पे, ठीक है। कलर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा पार्ट पड़े तो मैं ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ, हल्का सा मैंने लाइट किया यहाँ पे, ठीक है। देन कंट्रोल एस कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद स्विच करते हैं माया में, और राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करता है, रिलोड कर दिया यहाँ पे, तो रिलोड करने से यहाँ पे कुछ ही आपको दिखेंगे यहाँ पे, आया कि नहीं आया, ये केज टेक्सचर ही है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलते हैं फोटोशॉप में, यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल सेव एज किया कि नहीं किया, चेक करें यहाँ पे केज टेक्सचर ही है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा विजुअल कम है तो मैं बढ़ा देता हूँ, देखो हल्का सा मैंने बढ़ाया यहाँ पे, कंट्रोल एस, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डिसलेक्ट किया मटेरियल एट्रीब्यूट, लगता है काम नहीं कर रहा, तो मैं एक बार ब्रेक करके कर, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन कॉल कर लेते हैं क्या, कई बार ऐसा होता है कि वो लाइक प्रॉपर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, यहाँ पे ये मैंने पाथ कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है, एंड कंट्रोल वी देन एंटर, नहीं देखो अभी यहाँ पे दिखने लगा क्या, ओके ठीक है। हम लोगों ने मैं यहाँ पे कॉल कर लिया था, मैं यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं फर्स्ट ऑल यही करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पहले बॉर्डर ही क्रिएट कर लेता हूँ। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरे पास शेप्स हैं, यहाँ पे यूवीज पे मैं जाके यहाँ पे लाइक जो भी एक पार्ट है उनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल बॉर्डर लाइन है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट में कहाँ पे मैं मैनेज करूँ, ये भी मुझे लाइक आइडिया मिलना चाहिए, कहाँ का पार्ट है। यहाँ पे क्या सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे फेसेस, ठीक है, यहाँ से ध्यान दो यहाँ पे, ये पार्ट इसका है, ये पार्ट यहाँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखो इसके बॉर्डर पे पेंट करना है, तो एक बॉर्डर इस पे, एक बॉर्डर इस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्विच करके यहाँ पे चला जाऊँगा यहाँ पे, और चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। तो लाइक मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट साइज
छोटा कर रखा है यहाँ पे, ये क्लिक किया यहाँ पे, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्रिएट अ बॉर्डर, बॉर्डर क्रिएट कर लो आप यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हम लोग कोई भी काम करें तो बेसिक बॉर्डर हमें दिख सके यहाँ पे। ठीक है, ये काम मुझे यहाँ पे भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्थ पार्ट यहाँ पे लिया, ठीक है, देन सेफ, ओके, यहाँ पे क्लिक करना आप यहाँ पे, एंड देन ये पार्ट। तो अभी ऐसे करके आप थोड़ा सा बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। अभी इसी में क्या है, अगर मैं यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, मैं बस अगर अंदर की तरफ मुझे कुछ दिखाना पड़े यहाँ पे, इस पर भी दिखाना पड़े, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइक बॉर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो सेम चीज़, अरे देखो यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है क्या, तो मैं यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा। ये मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा लिख के पॉइंटेड सा पार्ट, ओके। ये भी एक आपको अप्लाई करके देखना है क्या लाइक कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। और यूवीज का यहाँ पे बेनिफिट है, लो पॉली मॉडल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, ये देखो कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन स्विच करते हैं माया में, ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ बॉर्डर्स हम आपस यहाँ पे जल्दी जल्दी क्रिएट करते हैं तो हमारे शेप्स यहाँ पे बेटर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये शेप है मेरे पास यहाँ पे, तो व्हाट आई वांट यहाँ पे सिंपल सा मैं बेसिक सा बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या, जैसे ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉर्डर या हाइलाइट्स कर सकता हूँ, हाइलाइट्स कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसी में थोड़ा सा आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास कलर कौन सा, ये कलर मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा मैं डार्क में रहता हूँ, हाइलाइट्स के नीचे लेयर लेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, साइज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसा कुछ साइज़ मैंने बढ़ा किया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अभी ये शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखें यहाँ पे अभी ये क्या हुआ, यहाँ पे डार्क दिया, यहाँ पे डार्क देने के बाद यहाँ पे मैं हल्का 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 ये शेप्स को मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मैनेज कर दिया। ठीक है, अभी इसी में मुझे थोड़ा सा क्या करना है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा थोड़ी देर पहले आपको टेक्स बताया, देखो यहाँ पे समझना क्या, इसका मुझे थोड़ा सा वाइट सा चाहिए, वाइट सा चाहिए, इसी का लाइट पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसी का लाइट पार्ट यहाँ से उठाओ, यहाँ पे लिया, ठीक है, लिटिल लिटिल बहुत ज़्यादा नहीं है देखो, तो मैंने हल्का सा यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर जाके मैं हल्का सा, अभी आप चाहो स्पीक कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो अलग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे एक साइड से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट किया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ देखो यहाँ पे और थोड़ा सा हाईलाइट करते, एक तरफ से मैंने सिटी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा पार्ट किया, थोड़ा सा मैं इसी में जाके यहाँ पे हल्का सा लिटिल बिट मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मैं शेड क्रिएट कर दिया। अभी देखो यहाँ देखो कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप जब आओगे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आपने क्या किया, वेयर इज आवर लाइक यहाँ पर पार्ट, ठीक है, ये देखो आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर शेड अलग दिखेगा आपके पास यहाँ पे, भाई शेड हमने यहाँ पे दिया तो ऐसा इंपैक्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। हैंड पेंट टेक्सचर पे हम लोग कुछ स्टेप से भी काम कर सकते हैं। अभी जब मेरे पास हाईलाइट्स है, इस हाईलाइट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया लाइक इज इट पॉसिबल, मैं तो मैं ब्लेंड कर देता यहाँ पे, सॉरी ये मुझे नहीं करना, इसके ऊपर वाला हाईलाइट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट बॉर्डर वाइज यहाँ पे काम करें, डिवाइड में है लाइक मेरे यहाँ पे लाइक कलर वाइज यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया नॉर्मल में रखता हूँ, अगर नॉर्मल में मेरे पास कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जैसे ये और ये, ठीक है, कलर डोज पे यहाँ पे तो ऐसा मैं इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता यहाँ पे। तो देन यहाँ पे क्या हुआ कंट्रोल एस कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता यहाँ पे। तो अभी तो हम लोग बेसिक्स पे ही काम करें, तो बेसिक्स पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया ऐसा कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल पे गए और ये हमने फिल अमाउंट थोड़ा सा काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हाईलाइट्स में आपको ये क्या करना है, देखो यहाँ पे सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है क्या पे, कि शेप मेरे पास कैसा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं आपके यहाँ पे जैसे एक को मैंने सिंपल सा टिप्स दिखाया है, अभी आप यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इसमें क्या कर रखा है, कॉर्नर पर डार्क कर रखा है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी फॉलो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे देखो, अभी कलर का सेट लेना आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है, कलर आपने यहाँ पे किया, ओके यहाँ पे गए, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया साइज़ को छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझ यहाँ पे कॉर्नर बॉर्डर पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना स्टार्ट, बॉर्डर पे मैंने क्या किया डार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डार्क करने के बाद इसको लेके आते हैं यहाँ पे रखो यहाँ पे, जैसे ये डार्क है ना यहाँ पे, डार्क करने में यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास मिड कलर भी है, मिड कलर दिख रहा है, ये मिड कलर आपका यहाँ पे मिड टोन काइंड ऑफ, तो मैं इस पे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से
मैं थोड़ा सा ये मैनेज कर सकता हूँ। तो कलर वाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा आप मैनेज करो, आप यहाँ पर देन ये चीज़ आपका यहाँ पर देखिएगा। ओके, दो कलर हमने यहाँ पर मिक्स किया। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर जो हाईलाइट्स वाले पार्ट है ना, हाईलाइट्स वाले पार्ट पर थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक क्लिक किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइज़ को थोड़ा छोटा करके देखो यहाँ पे, यही से कुछ स्टेप से भी मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको ऐसे कुछ ब्लेंड करके दिखाएंगे आप, ठीक है। तो ये पार्ट आप ऐसे कुछ करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे जो बीच वाले पार्ट में कैसा है, यहाँ पे अगर देखा यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे तो साइज़ छोटा किया यहाँ पे, तो साइज़ छोटा करके आप ऐसे कुछ पेंट कर सकते हो क्या यहाँ पे। तो ये लाइक मिड टोन, लाइट टोन, डार्क टोन, इसी का मेन काम है क्या। अभी देखो यहाँ पे कुछ स्केचेज हैं, स्केचेज वाइज भी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे ये पार्ट है यहाँ पे मैंने कुछ अभी मैंने पेंट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही बारीकी से अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, सॉरी, यहाँ देखो चीज़ को जितना आप यहाँ पे जूम करके देखोगे, यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक करने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जब आप ऑल्ट एंड क्लिक करो यहाँ पे नीचे ऐसे देखने के। अभी यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने रैंडमली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ शेप्स को, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्केचेस वाइज थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ शेप्स को लाइक ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं शेप्स को थोड़ा सा ऐसे कुछ कर सकता हूँ। अब ये भी क्या मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी मैं ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड कैसे करूँगा, देखो इसी पे मैं ब्लेंड करूँ क्या, यहाँ से मैंने बगल वाले कलर को लिया यहाँ पे और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, ये शेप्स को मैंने यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा फिल, ओबेसिटी, फ्लो थोड़ा सा कम करके चले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड किया, देखो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास ब्लेंड होकर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यूवीज का भी बेनिफिट मिल रहा है आपको यहाँ पे, देन इसका भी आपको यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग ऐसे कुछ पेंट करेंगे तो और चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखने वाले हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैं कट दिखाने यहाँ पे, कट दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल सा ऐसा कुछ शेप्स दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डार्क यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे डार्क में गए अपने ऐसे, तो ऐसा डार्क में गए यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पार्ट दिखाया अपने यहाँ पे, ठीक है, अपने जूम किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ऐसा कुछ कट दिखा यहाँ पे, जूम करना आप यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल प्लस, ज़्यादा जूम हो जाता है, ये मैंने ऐसे कुछ कट दिखाया। अभी इस कट को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको यहाँ पे, और देन इसी कट्स को आप यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा ये शेप्स को आप यहाँ पे ऐसे दिखाने वाले हो। तो ये सीन, ये चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कट्स हैं उन कट्स को भी हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट्स को यहाँ पे दूसरे वे में दिखाया, यहाँ पे शेप्स को दिखाया, ये दूसरे वे में थोड़ा सा दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ कट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिक बेसिक चीज़ को आप यहाँ पे अगर स्टडी करोगे ना, तो आपके यहाँ पे देखो ये दिखेगा, ये पार्ट आपको दिख रहा है, फिर ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, साइज़ को छोटा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे मैं वन बाय वन करके मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा क्या। अभी यहाँ पे क्या, जो नीचे के पास मेरे पास डेप्थ है, उस डेप्थ को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट करना है। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये आपने ऐसे कुछ कलर किया यहाँ पे, और लिटिल बिट आप यहाँ पे हल्का सा पेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो समझ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक इधर से मैं थोड़ा सा इस पर भी मैं थोड़ा सा पेंट करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा लेके आने का। शेप में बस ऐसे भी कुछ यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा डार्क लाइन है, डार्क लाइन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा बॉर्डर वाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को दिखाऊंगा भाई, मेरे पास ऐसे भी कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा वन बाय वन करके पेंट करनी है, थोड़ा सा टाइम टेकन चीज़ होती है, तो आप थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे मैनेज करके आपको देना है कि भाई ऐसे मैं हैंड पेंटेड टेक्सचर को यहाँ पे लेके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ शेप बना के यहाँ पे, अभी ये देखो यहाँ पर हमने काम किया, कंट्रोल एस कर दो आप यहाँ पे, देन आप स्विच करके देखो आप यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे दिखेगा कि अभी हमने पहले ये किया, अभी देखो यहाँ पे हाँ कॉर्नर के स्केचेस कैसे हैं, तो कॉर्नर के स्केचेस पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास स्केचेस कैसे हैं, लाइट कैसा है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करूँगा। अभी देखो यहाँ पे एक पार्ट दिखा यहाँ पे, ये जो शेप्स हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिक सा फंड है क्या। अगर देखो आप यहाँ पे काम करते हो यहाँ पे साइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक रैंडमली यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रैंडमली मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, तो लाइक काइंड ऑफ अभी आप थोड़ा सा स्टेप से आप करोगे तो अभी थोड़ा सा देखने बेटर लगेगा क्या आप यहाँ पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर से ऐसे कुछ किया, एक मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया, और एक मैंने कुछ आपको ऐसे भी प्रोसेस बताया कि देखो यहाँ पे कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसे ऑफ करो, देन यहाँ से देखो तो थोड़ा सा रैंडमली का लुक एंड फील लगाया क्या आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखेगा अपना अलग ही पार्ट के भाई शेप्स में बस कैसा है, कैसा क्या पार्ट है। अभी इसी के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को और अलग अलग वे में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
ये देखो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल प्लस एंड इसी में कई शेड्स वाइज में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे मैं बस यहाँ पे डार्क कलर में यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं डार्क कलर में ये जो लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पे मैं तो इस पर मैं जाकर थोड़ा मैं पेंट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसा कुछ यहाँ पे, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ यहाँ पे, तो लाइक डार्क वाइज भी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। हम लोग ऐसे करके भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्या लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आएगा। देखो यहाँ पे अभी डेप्थ दिखने लगा क्या, यहाँ पे कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पे आपका डेप्थ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट है आपके पास यहाँ पे, और देन यहाँ से भी यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं देखो यहाँ पे क्लिक किया, अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे भी देखो यहाँ पे जो मैंने काम किया ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज़ यही जो सेम फंडा है, अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ से क्या किया डार्क लाइनें ले रखे, डार्क लाइन से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंट करता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा रैंडमली चीज़ों को यहाँ पे दिया है। तो भाई ऐसा कुछ शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कुछ काम किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं वन बाय वन करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट्स वाले पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, तो हाईलाइट्स वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो हाईलाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट्स वाले पॉइंट्स के मैं पे क्या करता हूँ इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा वन बाय वन करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेंट करता हूँ। जितना मैं लाइक बहुत ही बारीकी से काम करूँगा वो उतना बेटर दिखेगा क्या मुझे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस एक रफली मैंने पेंट किया, यहाँ पे कंट्रोल एस करो और देन यहाँ पे आप जाके क्रॉस चेक करो यहाँ पे। ठीक, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिखेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास रैंडमली आपको चीज़ आपको यहाँ पे विजुअल होंगी, भाई ऐसा कुछ काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी फ्लैट में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक पार्ट है ऐसा कुछ, तो मैं इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ अभी। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे भी सेम सब वंडर। ठीक है, अभी जस्ट क्या करना है मुझे यहाँ पे, जैसे मैं डार्क कलर लिया, डार्क कलर लिया यहाँ पे, डार्क कलर के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ इसको रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा ये शेप्स में थोड़ा सा इधर से ऐसे कुछ मैं यहाँ पे पेंट कर देना। ठीक है, ये देखो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पार्ट ऐसे कुछ आया। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे क्या थोड़ा सा मैंने लाइट वाला कलर लिया यहाँ पे साइज में, थोड़ा सा यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो वाइज। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इधर से भी मैं मैनेज करता था कि कोई भी चीज़ नीट एंड क्लीन ना हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट रैंडमली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शेप्स यहाँ पे मैंने मैनेज किया, भाई मेरे पास कोई भी एक पार्ट है तो उस पार्ट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो ठीक है, ये शेप्स को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले सकता हूँ यहाँ पे। अभी इन चीज़ को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक जो पैटर्न है उस पैटर्न वाइज ही मैं थोड़ा सा डील करूँगा यहाँ पे। ठीक है, कि पैटर्न वाइज मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ यहाँ पे, समझ यहाँ पे जो भी एक रफली एक मैं थोड़ा सा लुक एंड फील दे देता हूँ पे, भाई मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे करना है। डार्क है, डार्क वाइज मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखिए थोड़ा सा कॉर्नर कॉर्नर पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंट करता हूँ भाई डार्क वाइज यहाँ पे चीज़ को मुझे ऐसा कुछ चाहिए क्या। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, लाइट में हमने देखा यहाँ पे लाइट में बस ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पहले डार्क वाला पार्ट यहाँ पे भी छूट है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये शेप्स को आप यहाँ पे चीज़ों को जितना समझो ना लाइक लाइट शेड्स जितना चीज़ों को लाइक समझोगे वो चीज़ आपके पास उतना बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक, रफली आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जितने भी पॉइंटेड पार्ट हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो अभी ये कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ पे तो मुझे बैठ के सब में यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्लिक किया यहाँ पे जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स लाइक लाइक दिस, यहाँ देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे पेंट किया, इसे देखो ऑफ करके चल रहा है, नहीं चल रहा है यहाँ पे, वही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे काइंड ऑफ बीच में बहुत ज़्यादा डेप्थ दे सकता हूँ यहाँ पे। देखो डेप्थ देने का लाइक प्रोसेस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे शेप में बस कैसा है ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ ठीक है साइज को थोड़ा मैंने ये शेप्स मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ये पार्ट ऐसा कुछ किया। अभी देखो यहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ पे एक डेप्थ है क्या, अभी देखो ये कॉर्नर डेप्थ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा साइज यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये शेप्स आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ, तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो
जितनी छोटी छोटी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सको आप यहाँ पर, उन चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बेसिक फंडा आपका सही है कि आपको उन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करना है। यहाँ पे देख, यहाँ देखो यहाँ पे ये कुछ हमने ऐसा कुछ काम किया, ठीक है, यहाँ पे मैं स्पार्ट देखा यहाँ पे, तो लाइक काइंड ऑफ ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखो शेप्स है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ रैंडमली ऐसे कुछ शेप्स बना के दे सकता हूँ, ठीक है। ये शेप्स में बस ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ शेप दिख रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे शेप्स को आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पार्ट्स है, ऐसे कुछ पार्ट्स है आपके पास यहाँ पे, थोड़ा सा लाइक मैं रैंडमली थोड़ा सा शेप्स लूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा कहीं डॉटेड है, डॉटेड के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, पहले डार्क किया, फिर यहाँ पे मैंने कलर पिक किया यहाँ पे इसके ऊपर, फिर थोड़ा सा मैंने बॉर्डर बना दिया यहाँ पे, यहाँ पे ये दो बॉर्डर जैसे दिखे यहाँ पे, तो इन शेप्स में मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेकिन मेरे पास अगर यहाँ पे कोई पार्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेके चलना है, कि मेरे पास ऐसा कुछ शेप है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन शेप्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेंगे। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा चीज़ों को ले सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ अगर आपको एक बेसिक शेप में आपको कुछ बताना है या कुछ करना है तो आप छोटे छोटे डॉट्स देखो यहाँ पे, कहीं छोटे छोटे डॉट्स लिए यहाँ पे, डार्क कलर लिया यहाँ पे, डार्क आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे लिया आपने यहाँ पे डार्क, ठीक है। ऐसे करके जैसे ये एक छोटा पार्ट यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कहीं ऊपर, कहीं यहाँ पे, ठीक है, कहीं इधर, कहीं ऐसा कुछ, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्या करना है, बॉर्डर लाइन आपको दे देना है यहाँ पे, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे, ये आपने थोड़ा सा ये हाईलाइट्स ये पार्ट आपने यहाँ पे देखा, तो थोड़ा सा दूर से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, देख रहे आप ये शेप्स आपके पास यहाँ पे। तो ऐसे ही करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा मैंने स्ट्रक्चर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, टाइम जितना आप दोगे उतना ही बेटर दिखेगा आपके पास यहाँ पे। ये आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे आपका सीधे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी आप इस पर थोड़ा सा जो भी आपको पेंट करना है पेंट करके दिखा सकते हो, भाई मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। जितने आपके पास हाइलाइट्स हैं चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप समझोगे यहाँ पे, जैसे ये देखो ये फेसेस लग के थे मैंने ये पार्ट यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, हाईलाइट्स वाइज मुझे काम करना है तो मैं पे देखो यहाँ पे एजेस वाइज अगर मैं देखा अभी ये एजेस दिख रहा है पे, तो मैं ऐसे करके मैं हाईलाइट्स वाइज पेंट कर सकता हूँ। देखो अगर मैं ऊपर यहाँ पे दिखाना होता हूँ ये सेम चीज़ क्या है, अभी जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल सा फंडा यहाँ पे ही कोशिश करेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा लाइट का कलर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, शेप्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, शेप्स को यहाँ पे लाइक लिटिल बिट, ठीक है, यहाँ पे देखो लिटिल बिट। आप यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया पे मैंने डोज टू लिखा है आपके पास यहाँ पे, डोज टू से देखो यहाँ से कुछ काम होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पे अब डोज टू के थ्रू भी आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपने हल्का सा डोज टू से आप आपने थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट दे दिया, तो यहाँ पे देखना है ये पार्ट्स आपका थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कहीं पे डोज टूल बर्न टूल भी आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करके दिखा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये सिर्फ भी आपके पास थोड़ा सा कहीं कहीं पे मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी आपका ऐसा कुछ है लाइक आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ, जहाँ जहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे डोज टूल लिखा यहाँ देखा है ये जो पार्ट्स आपके पास यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे डोज टूल का के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे बर्न टूल भी होता है, यहाँ पे बर्न टूल है, जैसे अभी हमने जो कलर पेंट किया कलर पेंट करने वाले हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे मैं कहीं से मैं डार्क भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ देखना थोड़ा सा मुझे डार्क करना है तो मैं बर्न टूल से भी मैं थोड़ा सा डार्क यहाँ पे कर सकते हैं। देखो तो ये बेसिक आप कलर वाइज करना चाहो कलर वाइज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे लाइक बर्न एंड डोज टू साथ में प्ले करना है तो मैं ऐसे भी कुछ मैं प्ले करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक बेसिक सा पार्ट है जिसको मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑफ किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पे, और देन यू कैन चेक इट, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे माया के अंदर, यहाँ देखो तो शेड देखिएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रिलोडेड। तो ऐसे करके आप टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, देखो इसी में अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाना, ठीक है, आप सीजी आर्टिस्ट ऑल अंडर पे जाना, ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे वीडियोस पे जाओगे, और आप यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी और एडवांस लेवल अगर आप करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर देना हैंड पेंटेड सर्च करना, यहाँ पे देखो यहाँ पे हैंड पेंटेड आपको दिख जाएगा। ये सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर कर रखा है, यहाँ पे भी है ये हैंड पेंटिंग टेक्सचर है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कितना आप डिटेल दे सकते हो, तो डिटेल वाइज आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी आपका लेवल है, आप
कितने सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो एक बेसिक था, मैंने यहाँ पे एक आउटपुट दिया यहाँ पे। अभी इसी में जैसे मैं आपको एक जो मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ ब्रशेज मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे कोई इसमें मैंने कुछ काम किया, ये तो मैं उस पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिफोर ब्रशेज, यहाँ पे कुछ मैंने लाइक ब्रशेज मैंने पहले लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो कुछ ब्रशेज के थ्रू भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। जैसे मेटल ब्रशेज यहाँ पे, ठीक है, मेटल ब्रशेज लिया आपने यहाँ पे, और ये अभी आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे गए एक क्रिएट अ न्यू लेयर, जो भी आप काम करो ये देखो, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे लाइक साइज छोटा कर दो आप यहाँ पे, देख रहे हैं आप। तो अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ऐसे कुछ कलर वाइज मैं मैनेज करने वाला हूँ, देखें यहाँ पे आप ऐसे करके भी थोड़ा सा मैनेज कर, अभी यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे कलर, लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा, मैंने अगर यहाँ पे क्या किया लाइट कलर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ लाइट कलर लेता हूँ तो इज़ इट पॉसिबल, ये मैंने ऐसा कुछ किया तो ऐसा कुछ पार्ट आएगा। कलर मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया यहाँ पे, ठीक है, और देन ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, इस टाइप से कुछ चीज़ आएंगे। देखो मेटलिक लुक एंड फील आपको दिखेगा, मेटल का जो पार्ट होता है इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डू वन थिंग, प्ले विथ लाइक कलर, कलर साथ क्लिक करो, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, फिल अमाउंट कम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, एंड कंट्रोल एस करके देखो आपके पास यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा माया में जाके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट एंड देन रिलोडेड, नहीं देखोगे आपके सामने जो छोटी छोटी चीज़ें वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेक श्योर क्रॉस चेक करते रहना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेटल के और भी ब्रशेज हैं, एक दो ब्रशेज और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रशेज है, मैंने पिछले वाले उसमें मैंने डाल रखे यहाँ पे, जितने ब्रशेज देखो यहाँ मेटल ब्रशेज दिखे आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया लिटिल बिट यहाँ पे जैसे मैंने कलर पिक किया इस टाइप से, और देन यहाँ पे एक मैंने लेयर वाइज देखो यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर, साइज छोटा करना आप यहाँ पे, ऐसे करके भी आप थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहो तो लाइक माउस से भी काम हो रहा है, इससे भी काम हो रहा है क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। तो अगर ऐसे भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनली है क्या, कि ये ज़रूरी नहीं कि आप करो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया कंट्रोल एस, यहाँ पे गए माया पे गए यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो देखो छोटे छोटे पार्ट जो छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं ना वो इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे ही करके भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि ऐसे भी मेरे पास पार्ट है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको पेंट करना है।